Hello friends, welcome to my YouTube channel Manas Classes. Today we are going to start of class 9, chapter number 2 of science. Is matter around us is pure. One more thing मैं आपको बताना चाहता हूँ, second chapter में हम शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले ये जो government ने 70% जो syllabus कहा है कि वही exam में पूछा जाएगा, so उसी 70% के हिसाब से ही मैं ये video बना रहा हूँ. तो जो जो पोर्शन नहीं है उसमें मैंने रेड रेक्टेंगल किया है, वो पोर्शन हम लर्न नहीं करेंगे. ओके, सो हम जो 70% सिलेबस है उसके बेसिस पे ही हम ये पूरा चैप्टर लर्न करेंगे. ओके, उसमें है फॉर इज मैटर अराउंड अस इज प्योर. सो आप देखो जो फिगर 2.1 में दिया है वहाँ पे लिखा प्योर घी प्योर मिल्क. ओके, ये प्योर लिखा है मीन्स 100% प्योर वो कहना चाहते हैं, पर 100% प्योर होता नहीं है. ओके, अगर आपको कुछ ये मार्केटिंग के लिए भी है, प्योर लिखने से आपको बिक्री होए जो आपके मेटर की सामान की वो ज़्यादा हो सकती है, इसलिए प्योर लिखा है. ओके, अगर बात करें घी तो घी सिर्फ घी ही होगा. प्योर घी मीन्स आप कुछ मिक्स कर रहे हैं उसके वजह से आपको प्योर शब्द ऐड करना पड़ रहा है. ओके, वर्ड ऐड करना पड़ रहा है, सो दैट इज़ द थिंग. बट हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम वो मार्केटिंग बेसिस पे हम नहीं जाएंगे, हम साइंस पे फोकस करेंगे. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर हम मिक्सर की बात कर रहे हैं, प्योर की बात, प्योर मीन्स हमारे माइंड में क्या होता है कि उसमें कुछ भी मिक्सचर नहीं है. ओके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. वहाँ आपको कोई भी चीज़ जो खाने की चीज़ है उसे लॉन्ग टाइम रखने के लिए भी कुछ मिक्सचर केमिकल ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि वो हमें ज़्यादा देर तक रखनी पड़ती है. और बहुत सारे मिक्सचर होते हैं वो मैटर पे डिपेंड करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे कंसिडर करूँगा चैप्टर में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए. हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन इन अ पैक्स ऑफ दिस कंस्यूमेबल्स. फॉर द कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडिटेंस. इट मीन्स के कॉमन पर्सन के माइंड में क्या होगा वर्ड के उसमें कुछ भी मिक्सचर नहीं है, उसे वो प्योर कहेंगे. बट For the scientists, all of these things are actually mixture of different substance and hence not pure. Okay, so वो different होता है. So example भी यहाँ पर दिया गया है, mixture of water. Okay, हमारे पास जो milk आता है उसमें water mix ही होता है, but हम क्या कहते हैं हमारे यहाँ पास pure milk आता है. और जो packing में आता है अमूल माही वो सब packing में आता है, वो हम कहते हैं हमारे पास pure milk आता है. अगर pure milk आता होता तो उसको category देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, वो कैटेगरी दिए गोल्ड है ताज़ा है, वैसे कैटेगरी दिए मीन्स वो प्योर नहीं है. ओके, या फिर कुछ फेट कम किया ज़्यादा किया उसके बेसिस पे चलते हैं. और हमारे पास जो वाटर आता है पीने के लिए वो भी प्योर नहीं होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ मिक्सचर होता ही है. अगर कुछ मिक्सचर नहीं होता तो हम फिल्ट्रेशन या कुछ ऐसे क्यों लगा दें. ओके, वाटर की भी क्वांटिटी और क्वालिटी देखी जाती है. व्हाट इज मिक्सचर. ओके, डिफिनेशन ऑफ मिक्सचर यहाँ पे दिया गया है, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. जो एक से ज़्यादा चीज़ों को मिला के कुछ भी आप बनाते हैं तो उसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे मिक्सचर. नो इज अ सब्सटेंस. A substance cannot be separate into other kind of matter by any physical process. Okay? जो हम physical process से उसको अलग नहीं कर सकते वो ही mixture है. Okay? अगर हम कोई चीज़ mix कर देते हैं, for example, we mix मूंग and चना, so we can easily separate out by picking seeds of मूंग. But mixture is that kind, we cannot
just simplify by physically. Okay, if we want to separate substance, so we have to go through chemical process or another process, not by physical. Physically means aise hi directly aap separate kar do to wo physically process hui. Okay, agar water mein milk mix hai to hum easily or physically use separate nahi kar payenge. Okay, so that is the thing of mixture. Okay, next है हमारे पास type of mixture. Okay, now we are go through the type of mixture. Depending upon the nature of component that the form of mixture, we can have different type of mixture. Okay, nature पे depend करता है कि वो किस type का mixture है. So यहाँ पे हमारे पास दिया गया है activity है 2.1. Let us divide a class into four group A, B, C, D. A, take beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder. Spatula means चम्मच जैसा एक instrument आता है, science में उसे spatula कहते हैं. Okay, चम्मच जैसा ही होता है. तो 50 ml water में क्या mix करता है? Copper sulfate powder. और second beaker में भी क्या? 50 ml water and two spatula. First में one spatula था copper sulfate powder और B में क्या है? Two spatula copper sulfate powder. Group C and D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt. Okay, वो उसमें copper sulfate powder add नहीं करना है, कुछ और भी substance हम add कर सकते हैं. Okay, salt or sugar, anything we can add. Group A and B obtain a mixture which has uniform composition throughout. Such a mixture are called homogeneous mixture or solution. Okay, ये important है. Group A and B obtain a mixture. It means वो कहना क्या चाहते हैं कि वो completely mix हो जाता है, उसे remove करना थोड़ा tough होता है. Okay, तो उस mixture को क्या कहते हैं? Homogeneous mixture. आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. सो आपको ये लिखना, उसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है. सोल्ट इन अ वाटर, सोल्ट और वाटर का मिक्सचर भी क्या है? होमोजीनियस. शुगर और वाटर का भी होमोजीनियस. Compare the color of solution टू ग्रुप थ्रू आउट द बोथ द हैव ऑब्टेन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बट instantly of color of solution is different, then shows that homogeneous mixture can have variable composition. Okay, यहाँ पे है homogeneous mixture can have variable composition. Okay, so उसका color में भी थोड़ा change आ सकता है. अगर हम salt को water के साथ add करें तो color में भी थोड़ा change आ सकता है. Group C and D have obtained a mixture, obtained a physically distinct part of have non-uniform composition. Such a mixture are called heterogeneous. Okay, इस type के mixture को क्या कहेंगे? Heterogeneous. Heterogeneous mixture जिसे हम physically remove कर सकते हैं. Mixture of sodium chloride and iron filling. Iron filling means iron का छोटे छोटे टुकड़े. Salt and sulfate, oil and water are the example of heterogeneous. जिसे हम physically remove कर सकते हैं उसे हम heterogeneous mixture कहेंगे, और जिसे हम physically remove नहीं कर सकते उसे हम homogeneous mixture कहेंगे. Okay, इसका difference between ऐसे पूछ सकते हैं, difference between homogeneous and heterogeneous mixture. Okay, next activity है हमारे पास 2.2. A few crystal of copper sulfate to group A, one spatula full of copper sulfate to B, chalk powder or wheat flour to group C, few drop of milk or ink in group D. Okay, तो four group में हमने divide किया है. One में copper sulfate, second में copper sulfate to group B, only one spatula. Crystal यहाँ पे पहले few crystal of copper sulfate और यहाँ पे powder की बात हो रही है. से third में है chalk powder, fourth में है milk और ink. Okay, that is the thing. Filter the mixture, is there any reside on a filter paper? तो उसका हम filtration करेंगे A, B, C, D किससे. Okay, so A, B have got solution. A और B में हमें filtration मिल जाएगा. C has got separation. C means separation means यहाँ पे हमने देखो क्या mix किया है C में, chalk powder and
वाटर व्हीट फ्लोर मीन्स गेहूं का आटा, तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा वाटर में, तो वो क्या है, सेपरेशन। डी हैज़ गॉट कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, डी हमने क्या मिक्स किया है, मिल्क और इंक, जिसे हम फिजिकली रिमूव करना थोड़ी दिक्कत रहती। ओके सो लेट्स गो थ्रू द नेक्स्ट पोर्शन। ओके यहाँ पे सिंपलीफी मिक्सर को फिल्टराइजेशन कैसे करना उसकी पूरी प्रोसेस है। फिल्टर पेपर को ए बी सी, देखो सी में कौन जैसा बनाया और उसको फनल पे रख के जो हमारे पास सॉल्यूशन मिला है उसमें रख के उसका फिल्ट्रेशन किया तो हमें परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके सम क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का। व्हाट इज सॉल्यूशन, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ओके ये वन लाइन क्वेश्चन आ सकता है, सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ओके उसका एग्जाम्पल है लेमनेड, लेमनेड मीन्स लेमन सोडा, यू मे से दैट, और सोडा वाटर, सोडा वाटर भी वन टाइप ऑफ सोडा दैट यू नो। ओके सो दैट इज द थिंग। ओके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, अ सोल्यूशन हैज अ सोलवेंट, हियर इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, अ सोल्यूशन हैज सोलवेंट एंड सोल्यूट एज अ कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिजोल्व इन कंपोनेंट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सोलवेंट, द कंपोनेंट सोल्यूशन हैड डिजोल्व इन अ सोलवेंट यूजुअली प्रेजेंट इन अ लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट। ओके हमें सिर्फ दो ही वर्ड पे फोकस करना है, सोलवेंट एंड सोल्यूट। सोलवेंट मीन्स जो क्वांटिटी ज़्यादा है वो है सोलवेंट, जो क्वांटिटी कम है वो है सोल्यूट। ओके इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ कि आपके पास वाटर है उसमें आप वन स्पून सॉल्ट ऐड करते हो तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और सॉल्ट क्या होगा, सॉल्यूट होगा, जो मिक्स होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो होगा सॉल्वेंट और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो होगा सॉल्यूट। ओके इसका भी डिफरेंस पूछ सकते हैं एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, अ सोल्यूशन ऑफ वाटर इज अ सॉलिड इन अ लिक्विड सोल्यूशन, इन अ सोल्यूशन शुगर इज अ सोल्यूट। ओके शुगर सोल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। ओके और अनदर तीन एग्जाम्पल दिए है वो आप रीड कर सकते हैं। ओके और आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी है प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। ओके ये आपको टू लाइन टू मार्क में पूछ सकते हैं, डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन, सो यू हैव टू राइट सम पॉइंट हियर एज गिवन। अ सोल्यूशन इज होमोजोनियस मिक्सचर, ओके वो आपको पता ही है, वो आगे हमने देखा। अ पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन आर सिमिलर देन वन नैनोमीटर, वन नैनोमीटर मीन्स 10^9 मीटर इज डायामीटर, सो दे कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई। नेक्ड आई मीन्स के हम डायरेक्टली अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उतने छोटे पार्टिकल मिक्स होते हैं सॉल्यूशन में। ओके सो दैट इज द थिंग दे वांट टू टेल, बिकॉज अ वेरी स्मॉल साइज दे कैन नॉट बी स्कैटर एंड बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। ओके वो छोटे पार्टिकल होते इतनी मिक्स हो गए होते हैं कि हम उसमें से लाइट पास करने की कोशिश करेंगे तो लाइट भी आसानी से पास हो जाएगी। ओके आपके पास कांच का ग्लास है उसमें आप सॉल्ट मिक्स करके, वाटर में सॉल्ट मिक्स करके उसमें से लाइट पास करोगे तो आसानी से लाइट पास हो जाएगी, बट डायरेक्टली आप सॉल्ट एक ग्लास में भर के उसमें से लाइट पास करने की ट्राई करना, पास नहीं होगी लाइट। ओके तो वो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें से इजीली लाइट भी पास हो सकती है। द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ओके अगर हम अगर हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है और फिल्ट्रेशन हम करें तो हमें सॉल्ट मिल नहीं सकता ओके फिल्ट्रेशन मेथड से। ओके उसके लिए हम दूसरी प्रोसेस देखनी पड़ती है। सो द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन अ लेफ्ट अंडरस्टैंड दैट द सोल्यूट स्टेबल। ओके जो सॉल्ट सॉल्यूशन हमारे पास हो गया थोड़ी देर रखेंगे तो सॉल्ट क्या नीचे चला जाएगा,
नॉट ऑब्वियसली। ओके आप ऐसे लेमन सोडा के लिए लेमन जूसेस की ही बात करो, नींबू शरबत जिसे हम बोलते हैं, वो आप नींबू पानी बना के आपने रख दिया, ठीक है, तो आप उसे थोड़ी देर बाद पियोगे तो आपको पहले क्या वो सिर्फ वाटर का टेस्ट आएगा, शुगर और सॉल्ट का टेस्ट आएगा ही नहीं, obviously not possible, okay, so that is the thing, okay, जो ये 2.2.1 है वो portion syllabus में नहीं है, so we cut that thing, okay, now come to 2.2.3, what is the colloidal solution, a particle of colloidal of uniformly spread throughout the solution due to the relative small size of particle as a is a compound that the of suppression mixer appear to a homogeneous but actually a colloid solution heterogeneous mixer for example milk, okay, तो यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, कोलाइड सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करते हैं वो लोग, कि मिक्सर तो है वो, ओके, जो पहले हमारे पास सिर्फ मिल्क होगा उसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो वो शुरुआत के दौर में तो वो लगेगा कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, बट जैसे ही वो मिक्स हो जाएगा उसे फिजिकली रिमूव करना पॉसिबल नहीं है तो वो क्या होगा, हेटरोजीनियस मिक्सचर, ओके, मिल्क में हम वाटर ऐड कर दे तो वो फिजिकली रिमूव करना पॉसिबल नहीं है तो वो क्या एग्जांपल होगा, हेटरोजीनियस मिक्सचर, वो होगा कोलाइड, ओके, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम नेक्ड आई, ओके, वो छोटे पार्टिकल में होता है तो हम उसे नेक्ड आई से मीन्स बिना और डायरेक्टली देख नहीं सकते, पार्टिकल कैन ईजिली स्केटल अ बीम ऑफ विजिबल लाइट इज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2, स्केटिंग द बीम लाइट इज कॉल्ड ट्रायल्ड इफेक्ट, ओके, यहाँ पे ट्रेंडल इफेक्ट मीन्स के हमने जो लाइट पास करेंगे वो इजीली पास हो जाएगी, ओके, तो वो होगी ट्रेंडल इफेक्ट, सो दैट इज द थिंग, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो 2.3 में सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टेंडल इफेक्ट, ओके, इट मीन्स लाइट पास करने नहीं दे रहा है, ओके, आप अंदर देखिए फिगर ए के अंदर लाइट आपको इजीली नहीं देखेंगी बट फिगर बी में आप लाइट का पाथ भी देख सकते हो कि यहाँ से लाइट यहाँ जा रही है, सो दैट इज द थिंग, ओके, टेंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द सनलाइट पासिस थ्रू द कोनेप ऑफ अ डेजर्ट फॉरेस्ट, यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है, कोई आप घने जंगल में जाइए तो वहाँ पे पेड़ इतना घना होता है कि फुल लाइट हमें ज़मीन पर देखने को नहीं मिलती है, ओके, छोटे छोटे बीम के रूप में हमें वो लाइट दिखने को मिलती है, वो होता है टेंडल इफेक्ट, यहाँ पे एग्जांपल डेजर्ट फॉरेस्ट इन फॉरेस्ट मिस्ट कंसिस्ट टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर विच एक्ट अ पार्टिकल ऑफ कोलाइड डिस्पेराइड इन एयर, ओके, सो दैट वन, ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड हमें दिया गया है, अ कोलाइड इज अ हेटरोजीनियस मिक्सचर, ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोलाइड इज अ हेटरोजीनियस मिक्सचर, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, a size of particle of colloid is too small to individually seen by naked eye, wo humne already dekha, colloid are big enough to scatter a beam of light passing through it and make it path visible, okay, to hum light pass karne ki try karenge to easily light pass ho jayegi, so that is the thing, they do not settle down and left undistributed that the colloid is quite stable, okay, water or pani ka water or milk ka jo mixer hoga wo hum thodi der aise hi rehne dege to water or milk alag kar nahi sakte, okay, but ha butter milk mein humne water add kiya hai thodi der rakhoge to butter milk mein se aur water mein se वाटर आपको अलग मिल जाएगा, या तो वाटर नीचे के लेयर पे चला जाएगा या तो ऊपर के लेयर पे रहेगा, मोस्टली ऊपर के लेयर पे ही वाटर मिल जाता है, बट समटाइम ऐसा होता है कि यस वाटर नीचे के लेयर पे मिलता है, ओके, वो आप घर पे होते हो तो आप खुद भी वो नोट कर सकते हो कि क्या हुआ,
बटर मिल्क के साथ. ओके, दे कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. यस, उसे फिल्ट्रेशन से हम अलग कर सकते नहीं है. ओके, ये कोलोइड है और जो सेपरेशन है वो आपको पढ़ना है ना, तो आप माइंड में एक एग्जाम्पल सेट कर लीजिए. कोलोइड का आता है पोर्शन, तो आपके माइंड में एक एग्जाम्पल सेट होगा ना, तो आप उसके बेस पे आप उसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हो. ओके, यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल याद रखना है, मिल्क विथ वाटर, मिल्क मिक्सर विथ वाटर, वो एग्जाम्पल याद होगा तो आप परफॉर्म कर सकते हो. कैन बी यूज सेपरेट कोलाइड पार्टिकल. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, वो सॉल्यूशन में आपको लिंक में या फिर मेरे नंबर से आपको मैसेज कर दूंगा. डिस्प्रेट फेस. ओके, यहाँ पे टेबल है कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइड्स. ओके, तो हम एग्जाम्पल के ऊपर से यहाँ पे देखेंगे डिस्प्रेड एंड डिस्पेरिंग मीडियम. ओके, कौन कौन का किस किस का चीज़ का यूज़ करके हमें कोलोइड मिलता है. फोग है, क्लाउड है और मिस्ट है, वो किसका यूज़ होता है, वहाँ पे यूज़ होता है लिक्विड एंड गैस. और सेकंड में है स्मोक. स्मोक में क्या होता है, सॉलिड होता है और गैस होता है. शेविंग क्रीम है, शेविंग क्रीम में क्या होता है, गैस होता है, लिक्विड होता है. मिल्क में दोनों लिक्विड ही होता है, मिल्क मिक्स करेंगे वाटर के साथ. और सेकंड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मीन्स वहाँ पे मिल्क पाउडर भी आप कह सकते हैं. ओके, सो वो होगा सॉलिड एंड लिक्विड. फॉर्म रबर स्मोक एंड पूमिश, वो होता है गैस और सॉलिड का मिक्सर. जेली चीज़ एंड बटर, वो होता है लिक्विड एंड सॉलिड. देन होता है मिल्की ग्लास, वो होता है सॉलिड एंड सॉलिड. ओके, नेक्स्ट पोर्शन, ये जो है रेड रेक्टेंगल वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो वी आर नॉट गो थ्रू दैट थिंग. ओके, नाउ हियर इज द पॉइंट दैट वी गो थ्रू. फिजिकल एंड केमिकल चेंज. फिजिकल मीन्स जो आप बड़े होते हो. ओके, नॉट जस्ट बड़े होते हो, मीन्स आपकी जो बॉडी में चेंजेस आते हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है. ओके, हाथ की साइज बढ़ जाएगी, पैर की साइज भी बढ़ेगी, पूरी बॉडी की शेप चेंज होगा, वो क्या हुआ, फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज क्या है कि आप जैसे जैसे बड़े होते हो वैसे वैसे थोड़े समझदार भी होने लगते हो. ओके, या तो फिर बिगड़ भी सकते हो, दोनों चीज़ पॉसिबल है, उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे. ओके, ये मैं आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस समझाने के लिए ये बता रहा हूँ. ओके, ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन ऐसी नहीं होती है. ओके, ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि फिजिकल मतलब क्या और केमिकल मतलब क्या. ओके, सो अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ऑब्जर्व और सेटिस्फाई लाइक कलर, हार्डनेस, रिडिकली, फ्लूडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, ये जो मैंने बोला अभी वो क्या है, सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है. ओके, तो आप वाटर गर्म है या नहीं वो आप कैसे पता चल सकते हैं. यस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से आपको पता चल सकता है कि पानी गर्म है या ठंडा है. तो वो हुई फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट है इन कन्वर्सेशन ऑफ सेटल अ फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंज अकर विदाउट चेंजेस इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑल थ्रू आइस वाटर एंड वाटर वेपर आर लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी देन द केमिकल ई द सेम. ओके, तो ये यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें चेंज किए बिना समटाइम वी कैन सेपरेट आउट बट समटाइम इज नॉट पॉसिबल, सो वी हैव टू गो थ्रू द केमिकली. ओके, सो दैट दे वॉन्टेड टू टेल अस. ओके, बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर द लिक्विड बट दे आर केमिकली कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट. ओके, हम जो वाटर और कुकिंग ऑयल होगा वो उसका मिक्सचर
होगा नहीं। ओके क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो केमिकली कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट। ओके सभी चीज़ों का मिक्सर करना पॉसिबल नहीं है। ओके वाटर और ऑयल का मिक्सर आपको करना है तो नहीं कर सकते। वैसे ही पेट्रोल और वाटर का मिक्सर करना है तो वो भी आप नहीं कर सकते। बर्निंग इज केमिकल चेंज। ओके कोई चीज़ आप जला रहे हो और उससे आप कुछ गेन कर रहे हो तो वो क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ। बर्निंग, इवापोरेशन, वो क्या है? केमिकल चेंज है। इवापोरेशन मीन्स सनलाइट थ्रू आप पास करते हो किसी भी सब्सटेंस पे, तो वो है केमिकल चेंज। ओके वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना वो केमिकल चेंज है। वेपर का फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होना वो भी केमिकल चेंज है। सो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। ओके नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर द प्योर सब्सटेंस। नाउ कम टू अ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। ओके उसमें फर्स्ट है एलिमेंट। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ओके एलिमेंट टोटली थ्री टाइप में डिवाइड हो सकते हैं। मेटल, मेटल मीन्स जो हम आयन और उसका यूज़ करते हैं ना, वो होता है मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल होता है जो आयन नहीं होता और आयन मेटलेबल थिंग नहीं होती है। उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे, आपको मेटल क्या है समझ में आ जाएंगे। और आपने लोअर क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है मेटल एंड नॉन मेटल क्या है। सो लेट्स गो थ्रू द मेटल। यूजुअली सो सम और ऑल ऑफ दिस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मेटल होता है वो क्या होता है? दे हैव लस्टर। लस्टर मीन वो शाइन करता है। ओके आपके पास आयरन रॉड है, उसे आप बीच में से कट करोगे तो उसका जो सरफेस होगा वो थोड़ा शाइन करेगा। इट मीन्स दे हैव लस्टर। दे हैव सिल्वी ग्रे एंड गोल्डन येल्लो कलर। मोस्टली उसका कलर क्या होता है मेटल का? सिल्वी ग्रे और गोल्डन येल्लो। और थर्ड पॉइंट है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके आपको किसी भी मेटल का शेप देना है तो आपको हीट देनी ही पड़ेगी। सो दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके जो हम वायर यूज़ करते हैं वो भले प्लास्टिक के हो पर अंदर मेटल ही होता है। ओके सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। दे आर डिसेक्टिव। इट मीन्स कैन बी ड्रॉ इन टू वायर्स। हमें उसको वायर्स में कन्वर्ट करना है तो कर सकते। दे आर मेलेबल। मेलेबल मीन्स उसको हमें शेप देना है कुछ भी तो शेप भी दे सकते हैं। दे कैन सेनियर्स मेक रिंग और साउंड हीट वेन हीट। ओके उसके हम रिंग शेप देना है और उसका साउंड, मेटल का साउंड, मेटल के साथ मेटल को आप हीट करोगे तो आपको कुछ डिफरेंट साउंड सुनाई देगा जो बाकी साउंड से अलग होगा। एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर गोल्डन, सिल्वर, कॉपर आयन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। मर्क्यूरी इज ओनली मेटल दैट लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। ओके ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल वो आपके पास है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आयन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। बट वेन वी डिस्कस अबाउट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज अ मेटल विच इज इन अ लिक्विड फॉर्म वेन टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मीन्स 25 सेल्सियस। ओके नॉन मेटल की यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है, द डिस्प्ले हैज अ वेराइटी ऑफ कलर, दैट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट लस्टर और सेंसर और मेलेबल। एग्जाम्पल है नॉन मेटल के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कोल, कॉक, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। एलिमेंट हैव अ इंटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीन दोज मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड मेटलाइड। एग्जाम्पल ऑफ बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके दैट इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या है? इज अ कंपाउंड्स ऑफ सब्सटेंस कंपाउंड ऑफ टू और मोर एलिमेंट। जहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट हो गए मिक्सर उसे हम कंपाउंड कहेंगे। केमिकल कंबाइंड विथ वन अनदर एंड फिक्स
प्रॉपर्टी, ओके, वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी और प्रॉपर्टी भी अपनी अलग से बनाएगी, वो होगा कंपाउंड। व्हाट डू वी गेट, टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड, ओके। सो यहाँ पे एग्जांपल पूरा दिया गया, वो मैं डीपली डिस्कस नहीं करूँगा, ओके। सो मिक्सर और कंपाउंड का आप डिफरेंस समझ जाओगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि मिक्सर और कंपाउंड क्या है, ओके। यहाँ पे डिफरेंस है हमारे पास, एलिमेंट और अ कंपाउंड जस्ट मिक्स टूगेदर टू फॉर्म अ मिक्सर एंड नॉट न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। यहाँ पे मिक्सर में कोई नया कंपाउंड मिलेगा नहीं। इट मीन्स क्या वो कहना चाहते हैं, अगर हम मिल्क में वाटर ऐड करेंगे तो हमें मिल्क ही मिलेगा, ओके, कोई नया कंपाउंड मिलेगा नहीं। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, ओके, यहाँ पे हम दो एलिमेंट मिक्स करेंगे तो हमें नया कंपाउंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिल्क में बटर मिल्क ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कर्ड मिलता है, वो क्या है, नया कंपाउंड है, ओके। सो कर्ड है वो क्या होगा, कंपाउंड, ओके। आई होप आपको मिक्सर और कंपाउंड क्लियर हो गया, क्या मिक्सर क्या है और कंपाउंड क्या है। अब मिक्सर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, अ कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, ओके। जो होगा कंपोजिशन में वो ऑलवेज नया सब्सटेंस होगा, वो फिक्स होगा। अब मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूशन सब्सटेंस, सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, ओके। इसकी प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। इट मीन्स पहले मिल्क था, उसमें से हमने कर्ड मिला तो वो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई, और वहाँ पे यहाँ पे जो मिक्सर है वहाँ पे हमने वाटर ऐड किया तो प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं होगी, वो मिल्क ही रहेगा, ओके। कंटिन्यूसली कैन बी सेपरेट फेयरली ईजिली बाय फिजिकल मेथड, ओके। अगर हम उसे अलग करना चाहते निकालना चाहते तो हम निकाल सकते हैं, ओके, फिजिकल मेथड से, ओके। तो अगर आप यहाँ पे वही एग्जांपल कंसीडर करके चलोगे कि वाटर एंड मिल्क, तो वो एग्जांपल में लास्ट ऑप्शन है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, पर वो एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि आप सब पॉइंट समझ सकें। कंस्टिट्यूशन कैन बी सेपरेट बाई केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन, ओके। केमिकली आपको वो कंपाउंड जो अलग करना है उसे आप अलग कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे सम क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर भी देना है, सो वो मैं पोर्शन नेक्स्ट में कंसिडर करूँगा, ओके। नेक्स्ट में है यहाँ पे द गैस ऑब्टेन बाई ग्रुप ए, ओके। यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन है जो गैस के रिलेटेड है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। अ गैस ऑब्टेंड बाय ग्रुप वन इज हाइड्रोजन, इज कलरलेस, ऑडरलेस एंड कंबिस्टेबल, एंड इट इज़ वेरी एडवाइज टू डू कंबिशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। द गैस ऑब्टेंड बाय ग्रुप बी इज हाइड्रोजन सल्फाइड, इट इज़ अ कलरलेस गैस विद द स्मॉल ऑफ रोटेट गैस, ओके। इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो ये गैसेस के बेसिस पे क्या है वो आप समझने में आसानी रहे। गैस का भी बहुत सारे मिक्सर होते हैं, दो गैस मिक्स कर सकते वैसे। अ मटीरियल ऑब्टेंड बाय ग्रुप वन मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, द सब्सटेंस गिव द एलिमेंट आयरन एंड सल्फेट, ओके। जो हमने ग्रुप आगे बनाया था उसके बेसिस पे ये पॉइंट्स है। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर द सेम दैट द कंस्टिट्यूट, द मटीरियल ऑब्टेंड बाय ग्रुप टू इज कंपाउंड, वन हीटिंग अ एलिमेंट स्ट्रॉन्गली वी गेट द कंपाउंड विच टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपाउंड टू कॉम्बिनेशन, ओके। सो लास्ट में एक टेबल दिया है हमारे पास, मैटर क्या है, मैटर होता है प्योर सब्सटेंस होता है या फिर मिक्सर होता है। प्योर सब्सटेंस होता है उसमें एलिमेंट और कंपाउंड होता है, और मिक्सर में नो फिक्स कंपोजिशन, ओके, उसमें कुछ मिक्स नहीं होता है, ओके। तो एलिमेंट और कंपाउंड में भी आप डिफरेंस देख लिए, वो हमने ऑलरेडी पढ़ाई है सब डीपली, बट एक बार आप देख लीजिए। एलिमेंट होता है कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और सिंपलर सब्सटेंस
यहाँ पे होता है हैव फिक्स्ड कंपोजिशन ब्रोकन डाउन इनटू अ एलिमेंट बाय केमिकल और एलिमेंट्री रिएक्शन। उसके एग्जांपल है कॉपर, ऑक्सीजन, आयन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। और यहाँ पे एग्जांपल है मिथिलाइन शुगर सॉल्ट। नाउ कम टू अ होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फेट इन कार्बन डिसल्फाइड एंड वाटर एंड अल्कोहल। यहाँ पे एग्जाम्पल है सेंड सॉल्ट शुगर एंड सेल्ट वुड ब्लड वाटर एंड ऑयल, वो है हिट्रोजीनियस। ओके सो हियर वी कंक्लूड द चैप्टर। मैं चाहता हूँ कि आप समरी एक बार पूरी पढ़ ले। ओके समरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वहाँ पे हमने कौन कौन के पॉइंट नोट किए वो वहाँ पे डिस्कशन होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यस वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है बट अगर सिलेबस कट नहीं होता तो वीडियो इससे भी बढ़ जाता। ये 36 or 37 मिनट के आसपास बना है वीडियो बट जो सिलेबस कट नहीं होता तो ये 1 or 1.5 hours का वीडियो बनता। ओके आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो वी विल मीट सून। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।